हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी पाठशाला। आज हम लेके आए हैं बी फार्मा फर्स्ट सेम का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 लेक्चर 3, जिसमें हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। इसके पहले वाली वीडियो में हम लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। हमने पढ़ा था कि लिमिट टेस्ट है जो वो इम्प्योरिटी के लिए आइडेंटिफाई करना और उसके अमाउंट को जानना और उसको फिर कंट्रोल करना होता है। तो इसमें पढ़ते हैं प्रिंसिपल, दिस इज डिपेंड्स ऑन प्रेसिपिटेशन मेथड। तो प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है? इम्प्योरिटी या किसी भी सब्सटेंस का जम जाना, नीचे सेटल डाउन हो जाना, दिस इज डिपेंड्स ऑन प्रेसिपिटेशन मेथड एंड कंपेरिजन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कंपैरिजन करना। जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है या जो भी है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बट जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, हमें उसके बारे में पता होता है कि इसमें कितना सल्फेट का अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है जो कि पहले से बनाया गया है, हमें उससे कंपैरिजन करना है टेस्ट के लिए। सल्फेट्स प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट बाय रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या किया, सल्फेट को लिया और बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो वहाँ बेरियम सल्फेट बन जाता है और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाते हैं। इसमें रिएजेंट यूज किए जा रहे हैं वो है आपके बेरियम सल्फेट रिएजेंट और स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन। बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाने के लिए हम 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड को लेते हैं और 1000 ml वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो हमारा 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद हम 15 ml सॉल्यूशन उसमें से लेते हैं और उसमें 55 ml वाटर ऐड करते हैं और 20 ml एल्कोहल ऐड करते हैं और फिर इसके बाद 5 ml 0.0181% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसको वॉल्यूम को 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें हम 0.1089 ग्राम पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन को लेते हैं और 100 ml तक वाटर की हेल्प से वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम दो सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम टेस्ट सॉल्यूशन में एक 1 ml ऑफ 25% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड नेसलर सिलेंडर। इसे हम क्या करते हैं, एक नेसलर सिलेंडर लिया जो कि आपके टेस्ट ट्यूब के जैसा ही होता है, जो हमको पहले बता चुके हैं। इसमें हम 1 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को डालते हैं और फिर उसमें एड 1.5 ml ऑफ एथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद 1.5 ml एथेनॉल सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। फिर हम इसमें जो टेस्ट सैंपल इसको हमें चेक करना होता है उसमें से 15 ml हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर हम 0.15 ml 5 मोलर एस्टिक एसिड सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम वाटर की हेल्प से 50 ml तक वॉल्यूम को मेकअप कर देते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। स्टैंड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, टेक 1 ml ऑफ 25% बेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेसलर सिलेंडर। हम इसमें 25% का जो आपको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया था उसमें से 1 ml सॉल्यूशन लिया नेसलर सिलेंडर में। फिर हमने 1.5 ml एथेनॉल सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐड किया। फिर हमने स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था अपना, उसमें से 15 ml को ऐड कर दिया। फिर हमने 0.15 ml ऑफ 5 मोलर एस्टिक एसिड को सॉल्यूशन को ऐड किया। फिर हम उसको वाटर की हेल्प से 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया। अब हम दोनों में क्या करते हैं, कंपेरिजन। कंक्लूजन, इफ ऑपलेसेंस प्रोड्यूस्ड इन द स्टैंडर्ड इज मोर देन टेस्ट देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एच पर आईपी 1996। हमने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन जो बन चुके थे अब हम दोनों में कंपेरिजन करते हैं कि जो ओपलेसेंस है वो टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंड सॉल्यूशन ज़्यादा है या कम है। यदि टेस्ट सॉल्यूशन का ओपलेसेंस स्टैंड सॉल्यूशन से कम है तब हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास करेगा, और यदि टेस्ट सॉल्यूशन का जो ओपलेसेंस है वो स्टैंड सॉल्यूशन से ज़्यादा है तब हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। थैंक यू।